हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर भारत को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। स्पीकर सर, चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये दावा भी किया कि इस बजट में चंद पूंजीपतियों के एकाधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एकाधिकार को मजबूती प्रदान की गई है, जबकि युवाओं, किसानों और मिडिल क्लास को नजरअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी भी देगा। मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल MSP इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसा कर मारा था। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार का होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। उन्होंने दावा किया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, करण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी हैं। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। आज भी चक्रव्यूह रचने वाले 6 लोग हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 4 और लोगों के नाम लिए, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, अडानी और अंबानी का नाम शामिल है। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई। बिरला ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी पार्टी के उपनेता ने लिख कर दिया है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? इसके बाद राहुल गांधी ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों को A1 और A2 कहकर संबोधित किया। मैं ये कैसे कहूँ
इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है सर। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 माने। राहुल गांधी ने दावा किया कि 21वीं सदी में एक और चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही भारत के साथ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था उसी तरह हिंदुस्तान को फंसा दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये देश चक्रव्यूह को पसंद नहीं करता है, शिव जी की बारात पसंद करता है जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूँ। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस मैं बताता हूँ सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपए नहीं दिए गए। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया, सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए एक रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुपया नहीं दिखाई देता। उनके पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया, तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उनके भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर बात की है और अग्निवीरों को लेकर भ्रांति फैलाने का काम किया है। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। राहुल गांधी का कहना था कि मेरी अपेक्षा थी कि बजट इस चक्रव्यूह की शक्ति को कमजोर कर देगा और इससे देश के किसानों, युवाओं, मजदूरों, देश के छोटे व्यवसायियों को मदद मिलेगी, लेकिन मैंने जो देखा वो ये है कि इस बजट का उद्देश्य बड़े व्यवसायियों को एकाधिकार और राजनीतिक एकाधिकार के ढांचे को मजबूत करना है, जो लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर देता है और अंत में डीप स्टेट या एजेंसियों के ढांचे को मजबूत करने वाला है। Because of my expectation was that this budget would weaken the power of this chakravyuh, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that
destroys the democratic structure and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. उन्होंने कहा कि अन्नदाता ने आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी की कानूनी गारंटी, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। जो अन्नदाता हैं, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया, तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। कांग्रेस नेता ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी इतना बड़ा काम नहीं है, अगर बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाता तो किसान चक्रव्यूह से निकल जाता। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हम एसपी की कानूनी गारंटी देंगे, मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।